नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान गणेश का विशेष गुप्त मंत्र बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में भगवान गणेश के इस मंत्र के बारे में बताया गया है कि ये अत्यंत ही शक्तिशाली है तथा जब आप भयंकर संकट में हो तो सिर्फ इसके उच्चारण से ही आपकी हर बाधा दूर हो सकती है। दोस्तों, भगवान गणेश देवों के देव महादेव शिव तथा जगत जननी माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं से पहले की जाती है और कोई भी शुभ काम हो तब भी उन सभी कार्यों से पहले भगवान गणेश जी की आराधना बहुत जरूरी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कार्य को यदि आप अपने अच्छे मन से करते हैं तो आप भगवान गणेश को याद जरूर कर लें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कोई भी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल विश्वास और श्रद्धा के साथ की गई सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही गणेश जी के मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उच्चारण भी बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसको जपते ही आपके आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। मात्र 3 बार इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की हर मुराद पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे इस मंत्र को आपको बोलना है और कब बोलना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको बुधवार के दिन करना है क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है। बुधवार की सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाएं तथा भगवान गणेश की आरती कर लें। फिर उसके बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर भगवान गणेश जी के इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम श्री गंग सौभाग्य गणपते वर वरद सर्वजन में वश मान्य स्वाहा। अब मंत्र बोलने के बाद सच्ची श्रद्धा से जो भी आपके मन में है भगवान को बोल दें। दोस्तों, मात्र इस उपाय के करने से कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि आपके जीवन में आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपके हर कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे तथा हर कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।